देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। प्रख्यात हस्तियों से बीके सदस्यों की मुलाकात। हाल ही में द लोकमत महाराष्ट्रियन ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड फंक्शन का आयोजन मुंबई में हुआ, जिसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, प्रख्यात बॉलीवुड एक्टर नाना पाटेकर, रणवीर सिंह, कियारा आडवाणी, लोकमत के अध्यक्ष विजय डरडा समेत अन्य कई गणमान्य लोग एवं उद्योगपति शामिल हुए। यह सम्मान और पुरस्कार देने के लिए ब्रह्म कुमारी से मीडिया प्रभाग के राष्ट्रीय संयोजक बीके निकुंज भी विशेष रूप से आमंत्रित हुए। इस अवसर पर उन्होंने एक्टर नाना पाटेकर, महाराष्ट्र के वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, एक्ट्रेस अमृता फडणवीस और अन्य अतिथियों से आध्यात्मिक चर्चा कर मुख्यालय आने का निमंत्रण दिया। 75 गांव में आत्मनिर्भर किसान अभियान रवाना। ये नज़ारा आपने देखा हैदराबाद के रामाचंद्रपुरम का, जहां सिर पर कलश धारण कर बीके बहनों द्वारा 75 गांव में आत्मनिर्भर किसान अभियान को रवाना किया गया। इस अभियान का शुभारंभ करने मुख्यालय से स्वयं कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग के उपाध्यक्ष बीके राजू पहुंचे। इस दौरान सेवा केंद्र पर दीप जलाकर अभियान का उद्घाटन किया गया। वहीं बीके राजू ने अभियान का लक्ष्य बताया। एक अभियान 75 गांव को पूरा ही आत्मनिर्भर बनाने का संदेश दे, आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनको शाश्वत यौगिक खेती सिखाए, प्राकृतिक खेती सिखाए, अपनी खाद, अपना बीज, अपनी मेहनत, अपना जल, जल संरक्षण किया जाए, जल को बचाया जाए, ड्रिप सिस्टम पे आए, साथ साथ उनको खाद, गोबर की खाद कैसे, केंचुए की खाद तैयार करें खेती, उसकी ट्रेनिंग दी जाए। तो हमने एक लक्ष्य दिया था कि 1000 गांव में हमारे अभियान निकलेंगे और मैं समझता हूँ 1000 से भी अधिक स्थानों से निकल चुके। इस अवसर पर पार्षद नरेश यादव ने भी अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की, जिसके पश्चात सेवा केंद्र पर राजयोगी बीके राजू की ईश्वरीय सेवाओं की गोल्डन जुबली का सेलिब्रेशन हुआ। कार्यक्रम में विजयनगरम से बीके अन्नापूर्णा, चंदानगर से बीके उषा एवं संजीव रेड्डी नगर जोन की प्रभारी बीके ज्योति और स्थानीय सेवा केंद्र से बीके गणेश समेत जोन की सभी बीके बहनों की उपस्थिति में केक कटिंग की गई और बीके राजू भाई जी का सम्मान हुआ। साथ ही बच्चों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई। ब्रह्मा कुमारीज द्वारा कृषि के क्षेत्र में आध्यात्मिकता के समावेश से संकल्प शक्ति द्वारा धरती माँ को फलदायी बनाने का जो कार्य चल रहा है, उसी के तहत ओडिशा के संबलपुर में आत्मनिर्भर किसान अभियान का शुभारंभ प्रभारी बीके पार्वती की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस अवसर पर ग्राम विकास प्रभाग की अध्यक्षा बीके सरला, पूर्वतन राज्यसभा सदस्य प्रसन्न आचार्य, उद्यान विभाग उप निर्देशक हिमांशु शेखर साहू समेत कई गणमान्य लोगों ने शिरकत कर अपने विचार रखे। ओडिशा के किसान भाई बहने, सरपंच, ब्लॉक अध्यक्ष तथा बी के सदस्यों ने कार्यक्रम में सहभागिता कर इसका लाभ लिया। करीबन 1200 से ज्यादा भाई बहन इस कार्यक्रम में शामिल रहे। ऐसे ही अजमेर के वैशाली नगर में भी योगिक खेती का आधार आध्यात्मिकता विषय पर किसानों के लिए महासम्मेलन का आगाज हुआ। स्थानीय शिव वरदान भवन द्वारा आयोजित इस आयोजन में ग्राम विकास प्रभाग के उपाध्यक्ष बीके राजू, अजमेर सबजोन प्रभारी बीके शांता, बीके भानु, बीके अनीता, डॉक्टर भवानी सिंह समेत कई विशिष्ट लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन। इस योगिक खेती का गुजरात में SD एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी दांतेवाड़ा, महाराष्ट्र की यूनिवर्सिटी समेत अनेक कई यूनिवर्सिटीज में भी साइंटिफिक रिसर्च की जा चुकी है। आयोजन में कई स्थानीय किसानों का भी सम्मान किया गया। सभी ने पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रतिज्ञा भी ली। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।